हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट एंड कुकिंग अड्डा। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे, वो भी इंदौरी स्टाइल में। आप लोगों को पता ही होगा कि इंदौरी पोहे बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं और उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इंदौरी पोहा बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स होती है जो यूज होती है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो बनिए रहिए मेरे साथ एंड तक और चलिए स्टार्ट करते हैं इंदौरी पोहे बनाने की रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंदौरी स्टाइल पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मीडियम साइज पोहा ले लिया है। अब हम इन पोहे को भिगो लेंगे और हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है जिससे हमारे पोहे पूरे डूब जाए। तो चलिए इसमें पानी ऐड करते हैं। ये देखिए, पानी ऐड करने पर मेरे यहाँ पे पोहे पूरे डूब चुके हैं। अब हम इसको तुरंत ही इसका पानी निकाल देंगे, हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना है। 5 या 10 सेकंड के अंदर ही हमें इसका सारा पानी निकाल देना है और हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम इसका पूरा पानी निकाल दें। इसका पानी पूरा निकालने से जो हमारे पोहे रहते हैं वो अलग अलग बनते हैं और बनाते समय टूटते नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इसका यहाँ पे पूरा पानी निकाल दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड रख देंगे। दस मिनट होने पे पोहे यहाँ पर फूल चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। पोहे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई के गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मूंगफली दाने और इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मूंगफली दाने पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। थोड़ी देर चलाने पर मेरे यहाँ मूंगफली दाने अब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पर अलग निकाल लेती हूँ। मैंने यहाँ मूंगफली दाने अलग निकाल लिए हैं और ये जो बचा हुआ तेल है, अब हम इसमें बाकी का जो पोहा है इसी बचे हुए तेल में बनाएंगे। अब हम तेल में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून सौंफ और राई और सौंफ को भून लेंगे। राई और सौंफ के भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, और 1 मीडियम साइज प्याज। प्याज और हरी मिर्च को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसको हल्का ही पकाना है जिससे इसका जो टेस्ट है वो पोहे में बना रहे। 2 से 3 मिनट होने पर मेरे यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। हमें यहाँ पर लाल मिर्च ज्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि पोहे का जो तीखापन रहता है वो हरी मिर्च से ही आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पोहे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मूंगफली दाने जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखे हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे पोहों को 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और मेरे पोहे बिल्कुल तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितने अलग अलग बने। चलिए अब हम पोहों को सर्व कर लेते हैं एकदम इंदौरी स्टाइल में। डालते हैं थोड़े से सेव। मैंने यहाँ पे मोटे सेव लिए हैं, रतनामी सेव। अगर आप चाहें तो आप बारीक सेव भी डाल सकते हैं। डालते हैं थोड़ी सी मसाला बूंदी और इसमें अब डालते हैं जीरा वन। अगर आप इंदौरी पोहे की बात करते हैं तो जीरा वन जो रहता है इसका मेन इंग्रेडिएंट रहता है, जिससे टेस्ट एकदम उभर के आता है। डालते हैं थोड़ी सी धनिया। आप चाहें तो इसमें कच्ची प्याज भी डाल सकते हैं आपके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। तो चलिए, रेडी है हमारे पोहे एकदम इंदौरी स्टाइल में।